चॉइस फिलिंग यार प्राइवेट कॉलेज वाले चेंज भी कर देते हैं, इस चीज का भी खास ध्यान रखना। लास्ट ईयर ऐसे कुछ कॉलेजों ने किया था, तो यार रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम करेकी सर्विसेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग के बारे में। दो पॉइंट पे सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में मैं चॉइस फिलिंग को लेकर काफी सारी वार्निंग देने वाला हूँ, किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर भी हमें बहुत डिटेल्ड में एक मैंने इंडिविजुअल इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर मैंने चॉइस फिलिंग को लेकर भी बात की हुई थी। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मेरे छूट गए थे, वो मैं सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज पे मैंने इंडिविजुअल बात नहीं की थी, प्राइवेट कॉलेज वालों को क्या क्या चीज़ों को ध्यान रख के उनको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। और एक यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार कट ऑफ पे, ये जो कट ऑफ है यहाँ पर आयुर्वेदा की कट ऑफ है, बीएचएमएस की कट ऑफ को लेकर वीडियो आपको कल मिलेगा, ठीक है। लास्ट डेट है सबसे पहली चीज, अभी चॉइस फिलिंग यार लॉक करना मत भूलना, लॉक करने के बाद भी मॉडिफिकेशन हो जा रहा है लेकिन सबमिट जरूर करना। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन ये हो जा रहा है कि सर सबमिट हो रही कि नहीं हो रही है। और यार जितने भी लो स्कोरर वाले हैं ना, बिल्कुल भी परेशान मत हो, यूपी के अंदर बहुत सारे न्यू कॉलेज इस्टेब्लिश हुए हैं, उन न्यू कॉलेज की लिस्ट एक हम अलग वीडियो बनाएंगे। और पहली चीज़, नए कॉलेज चॉइस फिलिंग में नहीं रखने हैं, एक चीज़ बिल्कुल एकदम गांठ बांध लो इसको कि हमको करना ही नहीं है, ये समझ लो कि कॉलेज ही नहीं है। अभी मैंने दो पॉइंट नोट किए हुए हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि चॉइस फिलिंग को लेकर, है ना। तो देखो, या तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे होगे या आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे होगे, है ना। हो सकता है गवर्नमेंट प्राइवेट आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो देखो, यूपी के अंदर आज के टाइम पे ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट के लिए आज के टाइम पे ट्राई करना चाह रहे हो आपको नहीं मिलता, आपको मॉपअप राउंड में कॉलेज फुल हो जाएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उस कॉलेज में आपको, जैसे कि सरदार पटेल है कि राउंड वन राउंड टू तक फुल हो जाएगा, मेजर एचडी है, ये भी जल्दी पैक हो जाते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे हैं ऊपर के चार पांच छोड़ दो, बाकी सब में आपको एडमिशन तो मिल ही जाना है यार, है ना। तो एक चीज़ तो क्लियर है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर जो बीएमएस की अगर हम बात करें, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करो, तो पहली चीज़ यार आपको सीट एक्वायर करना है, ये आपकी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। जो आपको प्रियोरिटी में आपको रखना है ना कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट मिले, वो पहली प्रियोरिटी है। आपको लखनऊ वाला कॉलेज मिले, ये दूसरी प्रियोरिटी होनी चाहिए आपकी। एक आपको हमारी एक इंडिविजुअल जो चॉइस है वो सेकंड प्रियोरिटी होनी चाहिए ना, पहली प्रियोरिटी तुम्हारी गवर्नमेंट लेना है ना, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ जो कॉलेज अलॉटमेंट होती है वो राउंड वन में हो जाती है। अगर आपने आयुर्वेदा में एक कॉलेज ऑप्शन रखा है तो उसको प्लीज एक बार बढ़ा लेना, दो कॉलेज ऑप्शन कर लेना, तीन कर लेना, पहले आप एटलीस्ट एक कॉलेज ऑप्ट करो। लास्ट ईयर ऐसा देखने को मिला था, बहुत सारे लोगों ने लखनऊ डाल दिया था और लखनऊ के बाद उनको फिर सेकेंड राउंड में ना वाराणसी भी नहीं मिला था, फिर सीधा जाके बरेली मिला हुआ था, फिर पीलीभीत मिल रहा था, फिर वो ऑप्ट करना पड़ गया था। तो ऐसी नौमत ना है, तो उसके लिए आपके लिए बेटर होगा कि आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें चॉइस फिलिंग में। दूसरा चीज़ की मैक्सिमम मैंने लिखा हुआ है कि कॉलेज जितने आप मैक्सिमम कॉलेज रख सकते हो वो आप रखो। हाँ, अगर आपको भाई बड़ी बुराई है कि किसी कॉलेज में जाना ही नहीं आपको, आपने बहुत नेगेटिव सोच रखा है, समझ रखा है, तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए तैयार हो जाना, जो कि रियलिटी है, ठीक है ना। रीजन ये कि अगर आपको आपको अपनी चॉइस पे लेना है, हमको सिर्फ लखनऊ लेना है, लखनऊ के बियॉन्ड हमको कोई भी कॉलेज अच्छा नहीं लगता, यूपी को हमको कहीं जाना ही नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ एटीट्यूड है तो एक बात अलग है। तो अदरवाइज आप फिर प्राइवेट के लिए एक प्लान लेकर चलना, अदरवाइज मैक्सिमम ऑप्शन लेकर चलो कि जितने ज़्यादा फिल कर सकते हो फिल कर देना, ताकि आपको एटलीस्ट राउंड वन में एक कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए। अब हम लोग बात करने वाले हैं बीएचएमएस को लेकर। तो बीएचएमएस में भी थोड़ा सा चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस बता दूं, पहला लखनऊ रखोगे, ठीक है ना, दूसरा कानपुर रख लो, तीसरा प्रयागराज रख लो, ठीक है ना। उसके बाद में तो आपको जो रखना चाहो वो सारे रख सकते हो अपने नियर अबाउट लोकेशन के अकॉर्डिंग। सबसे लास्ट में गाजीपुर, बीच के कॉलेज अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लेना, अयोध्या, आजमगढ़, आई थिंक यही बचेंगे आपके बीच में, तो वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बीएचएमएस का हो गया, और इस पर कट ऑफ वाली वीडियो अलग से आ जाएगी। ये तो गवर्नमेंट कॉलेज की अगर आप काउंसलिंग सेल्फ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप हमारे यहाँ से कराना चाह रहे हो, चॉइस फिलिंग लेना चाह रहे हो, तो वो भी आप हमारे यहाँ से कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो हमको फी स्ट्रक्चर एग्जैक्ट पता कर लेना चाहिए, उसके बाद में कॉलेज रिव्यू एटलीस्ट पता कर लो कि उसके यूनिवर्सिटी एग्जाम टाइम पे होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, क्या उसका पुराना फीडबैक रहा है। चॉइस फिलिंग यार प्राइवेट कॉलेज वाले चेंज भी कर देते हैं, इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना। लास्ट ईयर ऐसे कुछ कॉलेजों ने किया था, तो यार रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो अपने क्रेडेंशियल, ना किसी को नीट के स्कोर कार्ड विदाउट एनी रीजन शेयर करो, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इस चीज़ का मैं बिल्कुल बोलूंगा कि अगर आप किसी को शेयर कर रहे हो तो एक जब लास्ट टाइम चल रहा हो ना, तो एक बार जरूर अपना पोर्टल लॉग इन करके चेक कर लो कि जो आपने फिल किया वही है कि नहीं है, किसी ने बदल तो नहीं दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम यार चेंज हो गए थे। और आई थिंक कट ऑफ एक बार मैं आपको फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ, मैंने बहुत बार कट ऑफ पे वीडियो बना रखी, जनरल 529 एकदम सेफ हो,
उसके बाद में EWS 525, OBC 522, SC का 400 के अब चला जाएगा, मतलब लास्ट जो होगा जो 400 के आसपास जाएगा। ST तो मैं बोलूँगा कोई भी रैंक हो यार जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इसको शेयर भी किया करो ताकि बहुत सारे लोगों को पता चल पाए, और व्हाट्सएप जो ग्रुप हो उसको भी शेयर कर दो, और एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने भी बना रखा है उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, और कुछ भी डाउट क्वेरीज हो तो एक टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, फ्री गाइडेंस है, आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हो कि किसी कॉलेज में अगर आपको जानना है उसका क्या फीडबैक है तो वो भी आपको बता दें।